हेलो दोस्तों, आज मैं आपको कटहल का सब्जी बना के दिखाऊंगी देसी तरीके से। तो आइए बनाते हैं कटहल का सब्जी। रोजाना सीखे खाना बनाना विद रोजाना खाना। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। हाँ दोस्तों, बेल आइकन ऑल पे दबाना है आपको, इससे मिलेगी हमारी सारा लेटेस्ट वीडियो का जानकारी। ये देखिए, हम 1 केजी के कटहल लिए हैं और आप आधा केजी का बना सकते हैं, 250 ग्राम का बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कटहल को काटूंगी। आप कटहल को कटवा के भी ला सकते हैं बाजार से। तो कटहल अगर आपको काटना हो तो कैसे काटिएगा मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, कटहल काटने के लिए हम लिए हैं यहाँ पे हाफ नींबू। हाफ नींबू को हम जूस निकाल के और पानी में मिक्स करेंगे। यहाँ पे हम थाली में पानी लिए हैं, इसमें हम मिक्स कर देते हैं नींबू का जूस। तो देखिए, नींबू का हम घोल रेडी कर लिए हैं। इसे हम कटहल काट के डालेंगे तो आपके हाथों में भी गोंद नहीं लगेगा और आपका कटहल भी काला नहीं पड़ेगा। यही तरीका बाजार वाले अपनाते हैं। कटहल का सब्जी बनाने के लिए हम 8-10 लाल मिर्चा लिए हैं, 8-10 कलियां लहसुन का ले लिए हैं, 1 इंच का अदरक ले लिए हैं और 1 चम्मच साबुत धनिया, 2 गांठ हल्दी और 1 चम्मच जीरा और 1 छोटे साइज का प्याज। इसे हम मसाले में पीस के और अलग रखेंगे। कुछ खड़े मसाले लिए हैं जो कि हम गरमाई मसाला को पीस के डालेंगे कटहल की सब्जी में एंड में। तो देखिए, हम 2 दालचीनी का छोटा टुकड़ा ले लिए हैं, काली मिर्च ले लिए हैं 5-6, 1 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची और 2 लौंग। इसको हम पीस के 1 छोटी कटोरी में अलग रखेंगे। ग्रेवी के लिए लिए हैं हम 3 प्याज और 3 टमाटर। आप इसमें से 1 घटा बढ़ा भी सकते हैं। तो आइए हम कटहल काट लेते हैं। कटहल काटने के लिए आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले डंठल वाला पार्ट काटना है। ये देखिए, इस तरीके से बिल्कुल सावधानी से काटें और जैसे ही आप काट रहे हैं वैसे नींबू के पानी में इसे डुबो दें। और देखिए, इसका सारा गोंद निकल गया नींबू के पानी में डालने से और ये आपके हाथों में नहीं चिपकेगा। अब हम निकालते हैं और कटहल को 2 भाग करेंगे। और फिर से नींबू के पानी में इसे डुबो देंगे इस तरीके से और इस वाले भाग को भी नींबू के पानी में डुबो देंगे और 1-2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और देखिए, इसका गोंद इस तरीके से अलग हो जाएगा। तो ये सबसे इजी तरीका है गोंद निकालने का और आपको कोई सरसों का तेल वगैरह नहीं लगाना है। आसानी से आप इसका गोंद निकाल सकते हैं नींबू के पानी में और आपका कटहल भी काला नहीं होगा। और इसी तरीके से हम इसे 4 टुकड़ा कर लेते हैं और फिर से इसे नींबू के पानी में फटाफट डुबोएंगे। ये जो प्रोसेस है करना बिल्कुल ज़रूरी है, आपके हाथों में बिल्कुल गम नहीं लगेगा और आप इस गम से बच जाइएगा अगर आप कटहल घर में काट रहे हैं तो। अब इस तरीके से हम इसे नींबू के पानी से निकालेंगे, इसके ऊपर इस तरीके से थोड़ा सा रफ कर देंगे और उसके बाद हम इसका छोटा छोटा पीस बना लेंगे। अब इसमें से गोंद नहीं निकलेगा, फिर भी हम इसे रखेंगे पानी में ही और उसके बाद इसका छिलका हम बिल्कुल सावधानी से उतारेंगे क्योंकि हाथों में लगने का ज़्यादा चांस होता है। तो आप इसे चाकू से भी उतार सकते हैं और फंसू से भी। ये देखिए, इस तरीके से हमें इसका छिलका पूरा का पूरा उतार देना है। साफ से उतारिएगा और उसके बाद हमें इसका पीस बनाना है। तो जितना छोटा बड़ा आप चाहते हैं पीस बना सकते हैं, मैं यहाँ पे मीडियम पीस बना रही हूँ। अब पानी में डालते जाएंगे। तो इसी तरीके से हम सारा पीस बना लेते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि जो हमारा कटहल है वो कैसा है। और एक बात हमको और बताना है आपको, देखिए ये जो है पार्ट,
ये हार्ड होता है, इसका डंठल वाला पार्ट अंदर का बीचों बीच का, तो इसे आप काट के निकाल भी सकते हैं और सावधानी से इसे छीलिए, छिलका उतर जाएगा और इसका पीस बना लीजिए। छोटा बड़ा पीस काट सकते हैं आप, जैसा आपको पसंद हो। चूल्हा जला लेते हैं। चूल्हे पे हम एक कढ़ाई रखे हैं और कटहल को एक पानी धो लिए है नींबू के पानी से निकाल के। यहीं पे हम 500 ml पानी डाल देंगे या कटहल डूबने तक पानी डाल देंगे और इसे ढक्कन से ढक के 7 से 8 मिनट तक हम इसे उबाल लेंगे। सभी मसाले को हम जार में भी पीस सकते हैं हल्दी के छोड़ के, और अगर आपके पास सिलबट्टा हो तो आप हल्दी भी पीस सकते हैं और मसाले भी पीस सकते हैं, जैसा आपको आराम लगे वैसा पीसे। मैं यहाँ पे सिलबट्टे पे पीस रही हूँ। सबसे पहले हम हल्दी को पीस लेंगे बारीक। सभी मसालों को हम डाल के और पीस लेते हैं और यहीं पे हम प्याज को भी इस तरीके से कूट के और दरदरा ही पीस लेंगे। देखिए मसाले को हम उठा लेते हैं और यहीं पे गरम मसाला को भी पीस के एक छोटा बाउल में रख लेते हैं। देखिए गरम मसाले को भी हम उठा लेते हैं एक छोटी सी बाउल में। यहाँ पे देखिए हमारा कटहल बहुत ही अच्छा उबल गया है और ये कितना उबला हुआ होना चाहिए मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से आप छुएंगे तो ये टूटने लगेगा। ये देखिए अभी ये गर्म है, बिल्कुल सावधानी से छुएं तो हमारा कटहल 80% उबला हुआ होना चाहिए। पानी से हम बाहर निकाल लेते हैं कटहल को। और ये देखिए हम कटहल इसलिए उबालते हैं कि जो इसका गम वाला पानी है वो निकल जाता है। ये देखिए पानी इसका फेंक देंगे हम और चलते हैं कटहल बनाने। किसी भी पोटैटो मैशर से या ग्लास से मैं यहाँ पे मसाला कूटने वाला से इस तरीके से कटहल को दबा रही हूँ। देखिए तोड़ना नहीं है ज़्यादा, सिर्फ दबाना है। ये देखिए इस तरीके से दबाना है कि इसका पानी निकल जाए बाहर। ये देखिए इस तरीके से हल्का हल्का दबाना है। और ये कैसा हो जाएगा मैं आपको दिखा देती हूँ। तो जब दबाइएगा तो पानी निकलेगा इसमें से। ये देखिए और ये ऐसा हो जाएगा दब के। ये देखिए थोड़ा सा खुल जाएगा और इसके अंदर तक रेशे, इसके जो रेशा दिख रहा है आपको, रेशे में मसाला जाके बहुत ही टेस्टी आपका कटहल का सब्जी बनेगा। इस तरीके से हमारे गाँव में बनाया जाता है। सेम कढ़ाई में हम सरसों का तेल डालेंगे और कटहल को हम तल लेंगे।
कटहल के ऊपर ब्राउन चिट्टी आने तक हम इसे तेज आंच पे भून के और निकाल लेंगे। जैसे ही कटहल पर ब्राउन चिट्टी आ जाएगा हम कटहल को निकाल लेंगे और प्लेट में रख लेंगे। सेम कढ़ाई में हम तेल डाल देते हैं 2 चम्मच। आप दूसरा कढ़ाई भी ले सकते हहैं। तेज पत्ता डाल देंगे 3-4 और चिटकी भर हींग। उसके बाद यहीं पे हम प्याज डाल देंगे। और देखिए प्याज कितना अच्छा से भून गया है। यहीं पे हम जो मसाला पीस के रखे थे डाल देंगे। साथ के साथ डालेंगे कटा हुआ टमाटर, थोड़ा सा नमक डाल देंगे और मसाले को हम तेल छोड़ने तक भूनेंगे कम से कम 5 से 7 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे। कम से ढक के भून लिए हैं तेल छोड़ने तक। देखिए मसाला हमारा भून के तैयार हो गया है। यहीं पे हम अपना कटहल डाल देते हैं और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, ध्यान में रखते हुए कि थोड़ा सा नमक हम पहले भी डाले थे। सभी चीज़ों को आपस में मिक्स करेंगे। धीमी धीमी आंच पे अब हम कटहल के साथ मसालों को भूनेंगे कम से कम 5 मिनट। तो ढक्कन से ढक के भूनें और आंच का खास ध्यान रखना है। देखिए हम कटहल को भून चुके हैं 5 मिनट तक। अगर आप कटहल में अच्छा कलर चाहते हैं बिल्कुल जैसा कि आप खाते हैं शादी ब्याह में, तो यहाँ पर थोड़ा सा देगी मिर्च डालें। ये तीखा नहीं करता है, ये सिर्फ कलर लाएगा। और थोड़ा सा 1 मिनट के लिए इस तरीके से भून दें। उसके बाद मिक्स कर दें। और देखिए कटहल में कितना अच्छा कलर आ गया है। तो यहीं पे हम पानी डाल देंगे, आपको जितना रसेदार बना रहा है उतना पानी ऐड करें। और देखिए गरम मसाला को हम पीस के ढक के रखे थे, इसे खुला ना रखें, इसका खुशबू खत्म हो जाता है। अब एंड में हम डालते हैं ये गरम मसाला और इसे ढक के हम पका लेंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि सब्जी का कलर और टेस्ट कैसा हुआ है। बहुत ही लजीज हमारा कटहल की सब्जी बनकर तैयार हो गया है। ऊपर से डाल देते हैं हरा धनिया और इसे फटाफट गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। तो मैं थोड़ा सा रस्सेदार बनाई हूँ, देखिए। तो इस तरीके से आप भी बनाएं कटहल का सब्जी, खाएं और कैसा बना हमें बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे हमारा कटहल का सब्जी खाने के लिए तैयार है। अगर आपको हमारा रेसिपी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस तरीके से कटहल का सब्जी को ट्राई कीजिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। अगर आप मटन चिकन का लवर हैं तो मटन चिकन खाना भूल जाएंगे ये कटहल का सब्जी खा के। तो देखिए दोस्तों अब तो हम चलते हैं खाने, आप भी बनाइए खाइए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।